सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। सैमसंग अभी अपने M सीरीज में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और मिड रेंज स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा काम सैमसंग का M सीरीज कर रहा है और बजट कैटेगरी में भी सैमसंग का M सीरीज काफ़ी अच्छा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन हर एक बंदा सैमसंग के M सीरीज का एक स्मार्टफोन का वेट कर रहा है जो कि सैमसंग गैलेक्सी M50। सैमसंग गैलेक्सी M50 बताया तो जा रहा था कि नवंबर 2019 में लॉन्च होगा, उसके बाद ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। 2020 में ये रिपोर्ट निकल के सामने आया कि सैमसंग गैलेक्सी M50 लॉन्च नहीं होगा, उसकी जगह में सैमसंग लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M51, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M50 ही होने वाला था। सैमसंग गैलेक्सी M51 ये स्मार्टफोन आने वाला है लगभग जून के मंथ में और इसके रिगार्डिंग कुछ नाइस यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है। शायद यह सैमसंग का पहला स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी कमाल का यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 2019 में आप लोगों ने देखा था कि सैमसंग गैलेक्सी M40 आया था जो कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन था जिसमें आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिला और उस प्राइस कैटेगरी में भी एक अच्छा स्मार्टफोन बना था और उसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट मिला था। तो बताया ये जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 आएगा यहाँ पर भी आपको एग्जिनोस का चिपसेट नहीं मिलेगा बल्कि क्वालकॉम का 720G वाला चिपसेट यहाँ पर मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन आएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि सैमसंग का पहला स्मार्टफोन मिड रेंज कैटेगरी में यहाँ पर बन सकता है। अब देखते हैं कि जो उम्मीद है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, सैमसंग से लोग हमेशा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। अब क्या सैमसंग ये चीज़ें हमें अपने स्मार्टफोन में देता है या फिर नहीं देता है, क्योंकि हम लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे भी तो फिर आएगा, अगर नहीं आएगा तो सैमसंग गैलेक्सी M51 अगर आता है तो उसमें आपको कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा सैमसंग के पुराने M सीरीज से। ये तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपको क्वालकॉम का 720G मिल सकता है और अगर 120Hz रिफ्रेश रेट देता है तो मेरे ख्याल से सैमसंग का जो फैन बेस है और जो ट्रस्ट है सैमसंग के ऊपर लोगों का, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है और डेफिनेटली लोगों को ये चीज़ पसंद यहाँ पर आएगा। हालांकि कैमरा होगा लगभग 64 मेगापिक्सल का और जो बैटरी है वो तो भाई साहब आजकल पूछो ही मत, क्योंकि M सीरीज में आप लोगों को पता है कि 6000 से नीचे तो बैटरी आ नहीं रहा है। तो 6000mAh की बैटरी मिलेगा, उसके बाद आपको 120Hz का डिस्प्ले मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, मेरे ख्याल से काफ़ी किलर डील ये लोगों के लिए बन सकता है। अब देखते हैं कि सैमसंग अपने M सीरीज के प्राइसिंग तो आप लोगों को पता है कि कितना एग्रेसिव रहता है। अगर ये स्मार्टफोन 20 या फिर 22000 में भी आता है तो डेफिनेटली सैमसंग को देखते हुए लोग डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को बाय करेंगे। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि सैमसंग का M51 कैसा होगा। मेजर चेंजेस तो होगा, ये तो डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ आपको एक मेजर अपग्रेड यहाँ तो मिलने ही वाला है। बस चैनल के साथ बने रहिएगा, आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।